रमजान अल करीम। शामदीद कहते हैं नूरे शहर में वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट मेमन टाइम का। जी, और आज हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट जो मौजूद हैं हमारे लिए बहुत ही मोहतरम HM शहजाद, जो प्रेसिडेंट WMOPC, चेयरमैन मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं वो हैं अल्ताफ हबीब जांगड़ा, जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आपकी तरफ आते हैं तो आप ज़रा बताइएगा अपना सिलसिला मेमन फाउंडेशन के हवाले से। देखिए, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल NGO से, INGO से, इसके दुनिया में 9 चैप्टर्स हैं, और जो फहाल चैप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि बाकी जितना चैप्टर है वहाँ एक तरीके का फंड कलेक्ट होता है, लेकिन वो सारा फंड कलेक्ट होके इंडिया और पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान के अंदर कोई 20 लाख से ज़्यादा मेमनों की आबादी है, और ये एक तासुर है लोगों के जहन में कि मेमन बहुत मालदार कौम है। बेशक अल्लाह ताला ने मेमन कौम को हुस्न भी दिया और खर्चने वाला दिल भी दिया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी गुर्बत भी है। इतनी बड़ी गुर्बत है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर इस वक्त तालीम के मैदान में बहुत बड़ा काम कर रही है। लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इस वक्त 4000 से ज़ायद बच्चे लोअर एजुकेशन में हैं और 200 से ज़ायद बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में हैं। जब हम बात करते हैं लोअर एजुकेशन की, तो हमने सालाना कुछ उसके अंदर फीसिस जो है वो हमने तय की हुई हैं कि अगर ये बच्चा साल के अंदर उसकी कितनी फ़ीस जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 10 से 12 करोड़ रुपये हम सिर्फ लोअर एजुकेशन में और 2.5 से 3 करोड़ रुपये हम हायर एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इस साल के अंदर हमारा टारगेट है 2021 एंड 2023 पाकिस्तान के अंदर कोई मेमन बच्चा बगैर तालीम के ना रहे, और उसके लिए टारगेट भी हमने लंबा किया है। हाल ही में हमने कोविड के हवाले से बड़ा काम किया है। जैसे आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन पहले ही हम ARY TV पे बैठे और एक इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी फंडिंग की, और एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा हमने इंडिया ट्रांसफ़र किया है। वो सिर्फ मेमन कौम के लिए ही नहीं, वो इंसानियत के लिए हमने किया है, वो सब के लिए आया। जैसे एदी ने एम्बुलेंस की बात की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ और बात की, इसी तरह वर्ल्ड मेमन, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मेमन जो बसते हैं उनकी एक मदर संस्था है, और वो एक बहुत बड़ा काम कर रही है। पाकिस्तान के हवाले से जहाँ हम एजुकेशन का काम करते हैं, वहाँ हम स्पेशल बच्चों का काम करते हैं, वहाँ हम रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, फिर मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज हम कराची सिंध पाकिस्तान नहीं, वो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, और जिसकी एक छत के नीचे हम 63 से ज़ायद मुख्तलिफ फील्डों में लोगों को हम हुनरमंद बनाते हैं। और इस वक्त ये मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जो मेन पावर है, यानी वो लोग जो काम सीखने के बाद हम इन लोगों को जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हम भेजते हैं। पहले हम महदूद थे कराची तक, मतलब रोजगार के लिए, क्या रोजगार के लिए, और वो देखें सनत की जरूरत है एक हुनरमंद बच्चा। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात करता चलूं, देखें एक वो बच्चा जो चार्टर अकाउंटेंट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो वो अपने भाई बहनों को भी संभाल लेगा, माँ बाप को संभाल लेगा, बीवी बच्चों को संभाल लेगा। लेकिन एक MA और BA किया हुआ बच्चा जो है, आप यकीन करें वो 10,000-12,000 की नौकरी करता है, और बाज़ वक़्त उस फैक्ट्री के बाहर खड़ा होता है, उनके माँ बाप से पूछे कि उसको MA कैसे कराया, BA कैसे कराया, और उसको मिल क्या रहा है 15,000-20,000। हमने वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तवसुस से जो हमारा ये सेंटर है मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सालाना हम 12,000 बच्चों को यहाँ फारिग करते हैं, हुनरमंद बनाते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 हमारी पाकिस्तानी बच्चियाँ और 5,000 उसमें मर्द हजरात होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर किसी तफरीक के, आप क्योंकि वो जो इलाके में ये जगह वाक़िया है मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कोरिंग इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ आपको दूर दूर तक मेमन नहीं मिलेगा, लेकिन आज पाकिस्तान की हर कौमियत उससे फ़ायदा उठा रही है, और एक भरपूर हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हुनर है, बेशक और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला जो प्लान हम लेके चल रहे हैं, आज हम कराची, अंदरून सिंध,
इस तरफ बलूचिस्तान हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज हमारे पास बच्चा पूरे पाकिस्तान से आ रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बच्चों को हमारे पास भेजती है, हम हुनरमंद बनाने के बाद उनको दोबारा बलूचिस्तान भेजते हैं ताकि वो हमारे बलोच या पठान जो भी वहाँ रहते हैं उनको मज़ीद ट्रेनिंग दे के और एक इंडस्ट्री की तरफ, नौकरी की तरफ, कारोबार की तरफ जा सकें। देखें, हुनरमंद बनाने का मकसद ये कि ये नहीं है कि वो नौकरी करेगा, एक हुनरमंद एक कारोबार कर सकता है और 5-7-10 लोगों को अपने पास नौकरी दे सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि अभी तक तो हम एशियन टाइगर नहीं बने, लेकिन जिस दिन ये पूरा जाल पाकिस्तान में फैल गया उस दिन हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमें एशियन टाइगर बनने से नहीं रोक सकती। और हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं और हम दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन मुझे ही लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इस गवर्नमेंट की और जो पिछली गवर्नमेंट गई उसका अभी हुनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम कराची तक, क्योंकि अभी हमने पूरे कराची को कवर नहीं किया, लास्ट अगर मैं आपको कहूँ कि जब से ये वजूद में आया 10 साल, हमारी कोई एज बहुत बड़ी नहीं है, हम 10 साल के हैं अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1,25,000 से ज़ायद बच्चियों और बच्चों को हुनरमंद बनाकर 70-75% बच्चों को, 100% तो हम नहीं कह सकते कि जी हमने नौकरी या कारोबार पर लगा दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 70-75% इन बच्चों और बच्चियों को हमने रोजगार की तरफ भेज दिया है। आज वो रिस्क हलाल उठा रही है, वो हमारी बच्ची जो हमारे पास से काम सीखकर या कारोबार कर रही है या नौकरी कर रही है, वो किसी गलत काम में नहीं जा रही है। आज हमने कराची से वो जो एक असला या एक अजीब जो कैफियत थी कुछ जमाने पहले, आज वो कैफियत हमने खत्म कर दी। आज हमने एक छोटा कल्चर था, वो छोटू प्लास लिया और छोटू पेचकस लिया और वो मार भी खाता था, गालियां भी, आज वो कल्चर हमने खत्म कर दिया। आज इंडस्ट्री के अंदर हम बच्चों को हुनरमंद बनाकर भेज रहे हैं। हम ये तो नहीं दावा करते कि 4 और 6 महीने में हम इंजीनियर बना देते हैं, लेकिन इस 4-6 महीने में उस इंडस्ट्री के अंदर वो जब बच्चा जाता है तो मालिकान या वहां का सुपरवाइजर ये नहीं कह सकता कि इसे कुछ नहीं आता। आप 6 महीने माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। सर आपकी तरफ आते हैं, जरा बताइएगा आप अपने वाले से। ये मैं रीजनल सेक्रेटरी जनरल हूँ डब्ल्यूएमओ का और सीईओ हूँ सुजुकी मरला मोटर का, चेयरमैन हूँ जिम खाना मुस्लिम जिम खाना का। बल्कि हम बात करेंगे डब्ल्यूएमओ के हवाले से, जिसे शहजाद भाई ने बताया, मिट्टी हमारा एक फ़ख्र है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा मान है, लेकिन इसके अलावा हम एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में कर रहे हैं, और हमने एक काम किया है कोनिया का, ये फारिश से आता है कोनिया आँख के लिए, और तकरीबन हमने कराची में सिंध में 250 नाबीना लोग अब देख सकते हैं, 250 नाबीना लोग देख सकते हैं, और ये काम आगे भी चलेगा। ये तो कोविड की वजह से फ्लाइटें नहीं आ रही तो थोड़ी रुकावट हुई है, हम श्रीलंका से फारिश से आती है और हम कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल डब्ल्यूएमओ अपने खर्चे पर सब करती है, और ये सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, ये इंसानियत के लिए है और सब के लिए है। और आप सोच नहीं सकते कि जब कोई नाबीना देखना शुरू कर देता है, जिस तक उसका ऑपरेशन हो जाता है और उसकी फैमिली बैठी होती है, उनके जो तासुरात होते हैं लीलाम सोच नहीं सकते, बिल्कुल एक आदमी देखना शुरू कर दे। सही बात। इसी तरह हम ये दत्ता भाई के ये इस वक्त तक हम कोई 212 या 215 हमने लोगों को आंखें लगाने नई जिंदगी दे दी। बेशक ये एक ऑपरेशन और एक आंख के पीछे 4-5 लाख रुपए का खर्च आता है, और हमारा फॉरेस्ट जो चैप्टर है वो हमारे को पाकिस्तान को मदद करता है, और ये फॉरेस्ट चैप्टर और पाकिस्तान चैप्टर के तवसुस से 212-215 जो ये आंखें लगी हैं, एक भी मेमन नहीं है इसमें। अच्छा। बल्कि इसके अंदर मैं कहूँगा कि मुसलमान के अलावा बाकी हमारी जितनी कौमियत है उसके अलावा हमारी हिंदू बरादरी के लोगों को भी हमने अच्छा इसमें ये होता है, जैसे शहजाद मैंने बात की ना कि नॉन मुस्लिम, अच्छा मुसलमान के लिए तो ज़कात ठीक है, नॉन मुस्लिम पर ज़कात तो उसके लिए भी हमारा एक अलग फंड है जो ज़कात के अलावा अरेंजमेंट हम करते हैं। इसके अलावा अभी कोविड आया, कोविड में हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों में मदद पहुंचाई, और ये वाइट कॉलर जितने थे वो लोग जो अचानक अपने रोज़गार से हट गए, यानी कोई ठेला लगाता था,
कोई दिन में कोई ऐसा काम करता था कि कोविड में लॉकडाउन की वजह से उसकी इनकम बंद हो गई। हमने घर घर लोगों को बाइक चेक पेमेंट पहुंचाई, बाइक चेक, और आप सोच नहीं सकते हो उसमें लोगों की जो बातें हमने देखी और सुनी। व्हाइट कॉलर मांग नहीं सकता तकरीबन ये 1200 से सिलसिले को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेमन टाइम जारी हो सारी है।